नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश में जारी किसान आंदोलन को लेकर भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा होने के बाद दिल्ली पुलिस सख्ती बरत रही है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने किसान आंदोलन से संबंधित सुदेश जलवायु कार्यकर्ता की टूलकिट के जरिए देश बदनाम करने की साजिश में शामिल 21 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को बंगलुरु से गिरफ्तार किया है। साइबर सेल ने टूलकिट मामले में शनिवार को यह पहली गिरफ्तारी की है। देश में फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान के फाउंडर सदस्यों में दिशा रवि भी शामिल है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने टूलकिट मामले में 4 फरवरी को देश के खिलाफ साजिश रखने, हिंसा के लिए भड़काने और नफरत फैलाने के मामले में पहला मामला दर्ज किया था। टूलकिट मामले में हुई यह पहली गिरफ्तारी भी है। जानकारी के मुताबिक जलवायु कार्यकर्ता दिशा ने माउंट कैरमल कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्नातक की डिग्री हासिल की है। दिशा इस समय गुड माइल कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब उन्हें गिरफ्तार किया उस वक्त वह घर से ही काम कर रही थी। आरोप है कि दिशा रवि ने किसानों से जुड़ी टूलकिट को एडिट किया, उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी और उसे आगे भेज दिया। दिशा रवि के पिता मैसूरू में एक एथलेटिक्स कोच हैं जबकि उनकी माँ एक गृहिणी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।